तहज्जुद के लिए अगर कोई ना उठ सके और वित्र भी फौत हो जाए तो फिर क्या करें? जवाबन अर्द है कि रात में इस इरादे से कोई शख्स सोए कि हम तहज्जुद पढ़ करके वित्र अदा करेंगे और आंख लग गई, सुबह होने तक सोते रहे, तो सुबह हो जाने के बाद हम उसकी कज़ा कर सकते हैं जो रात में पढ़नी थी दिन में पढ़ सकते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सही मुस्लिम की रिवायत है, काना इदा मरिद औ साफरा सल्ला मिनन नहारी इस्नतै अशरत रकअह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हो जाते या सफ़र की हालत में होते और रात की नमाज जो 11 रकात आप पढ़ा करते थे नहीं पढ़ सकते तो दिन के वक्त में 12 रकात पढ़ते थे। तो तहज्जुद की नमाज भी आप दिन में कज़ा कर लेते और तहज्जुद के बाद वित्र की नमाज जो आखिर में रात के वक्त पढ़ी जाती है उसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा कर लेते। पर तरीक़ा रात और दिन में वित्र की अदायगी के फ़र्क है। रात में 1-3 जैसा कि मामूल है अदा की जाएगी, लेकिन वही 1 और 3 रकात वाली नमाज जब दिन में अदा करेंगे तो 1 के बजाय 2 रकात पढ़ेंगे और 3 के बजाय 4 रकात पढ़ेंगे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिवायत से मालूम पड़ता है।